हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सभी को राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्लास्टिक बोरी से बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाने वाली हूँ, जो कि एकदम फ्री में बनने वाला है। सारा सामान आपको घर पर ही मिल जाएगा। तो ये जो प्लास्टिक बोरी है, वो मैंने इस जो बेड है उसका जो ये गद्दा है इसके नीचे से निकाली है, तो ये पूरा ख़राब हो चुका है। तो इससे मैंने बेडशीट भी हटा दी है, क्योंकि बच्चे कुछ खा रहे थे तो इसके ऊपर मतलब बिस्किट गिरा दिया था उन्होंने, तो इस पर इतनी सारी चींटियाँ हो गई थी। तो फिर मुझे बेडशीट उठाकर धूप में डालना पड़ा है। और यहाँ ये जो रखे हुए थे बॉक्स, इनमें मैं देख रही थी कि मुझे कुछ मतलब ऐसा फैब्रिक मिल जाए जिससे कि मैं जो बनाना चाह रही हूँ वो मैं बना सकूँ, लेकिन इनमें मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं। फिर देखिए, ये जो मैंने शर्ट में से एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इसी में मैं जो वेस्ट क्लॉथ होते हैं वो रख देती हूँ, तो इसमें से मैंने ये बेडशीट निकाला है। तो मैं देख रही थी शायद मुझे और कुछ भी मिल जाए, तो चलिए इस बेडशीट में से ही आज हम जो अपना ऑर्गेनाइज़र है वो बनाते हैं। और ये बीच में से बिल्कुल फट चुका है, तो साइडों में से जो फैब्रिक है वो हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, जो प्लास्टिक बोरी है इसके ऊपर मैंने मेज़रमेंट कर लिया है और उस मेज़रमेंट को मैं कट कर रही हूँ। तो एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कुछ लोगों का ये होता है कि हम कटिंग फैब्रिक पर करें या फिर जो हमारा प्लास्टिक बैग होता है उस पर करें। देखिए, आपको जिस पर भी करना है, जो चीज़ आपको सबसे ऊपर रखनी है उसके ऊपर ही आप कटिंग कीजिए और मार्किंग कीजिए। तो मैंने केवल ये प्लास्टिक बोरी है इसके ऊपर मैंने कटिंग कर ली है मार्किंग करके, और अब जो फैब्रिक है उस पर मेरे को मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैंने ये कटिंग की है बोरी के ऊपर, इसको ही हम उसके ऊपर रख देंगे और हमारा फैब्रिक एकदम मेज़रमेंट के साथ निकल आएगा। तो ये कन्फ्यूज़न मैंने कुछ मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनका बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने डबल फोल्ड किया क्योंकि मुझे डबल फोल्ड फैब्रिक चाहिए, यानी कि दो फैब्रिक चाहिए, तो एक साथ मैं इसे पिनअप करके कट कर लूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसका जो भी मेज़रमेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमें ये देखिए, जो ये मैं बना रही हूँ उसके लिए सबसे पहले ऊपर हमें रखनी है प्लास्टिक बोरी और ये फैब्रिक, और फिर इसके ऊपर इसके नीचे फैब्रिक, और ये दोनों फैब्रिक हैं इनका सीधा वाला साइड एक दूसरे के आमने सामने है, और इसके ऊपर रखा है मैंने ये प्लास्टिक बोरी और इसे चारों तरफ से मैंने पिनअप कर लिया, जिससे कि जब जो भी हम सिलाई करें और मेज़रमेंट करें तो एकदम सही आए। तो देखिए, इस तरीके से मैंने लिया है ये 35 इंच और इस तरीके से लिया है ये मैंने 27 इंच। तो ये हमें एक पीस चाहिए। और अब हमें क्या करना है, ये देखिए, यहाँ मैं इस तरीके से ये मार्क लगा रही हूँ। थोड़ा सा लगभग होगा ये 4-5 इंच होगा, तो इतना हमें छोड़ देना है और इस पूरे पीस पर हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए, इस पर मैं सिलाई लगा लेती हूँ। और ये देखिए, ये हमने जो यहाँ मार्क लगाया था इतने पर हमें सिलाई नहीं लगानी, और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और सिलाई लगाने के बाद जब ये कॉर्नर आए तो वहाँ सुई को, मशीन की सुई को हमें अंदर ही छोड़ना है, और जो ये पीस है इसे हमें घुमाना है, और यहाँ से इस तरीके से बहुत ही अच्छा कॉर्नर निकल के आता है। ये देखिए, इस तरीके से हमें पूरे पीस में सिलाई करनी है, यानी कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सेम वहीं हमें पहुँचना है। तो ये देखिए, पूरे पीस पर मैंने सिलाई लगा ली है, और जहाँ से हमने शुरुआत की थी हम वहीं आकर पूरा स्टॉप हो जाएंगे। और ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलाई नहीं लगाई है, और पूरे में मैंने सिलाई लगा ली है। आपको मैं एकदम पास से दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ मैंने सिलाई नहीं लगाई है, और पूरे पीस में मैंने इस तरीके से चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसमें इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में, ये देखिए, ये जो हमने खुला हुआ पीस छोड़ा है, यहाँ से हमें ये दोनों फैब्रिक हैं जो उनको इस तरीके से खोलना है, और खोलने के बाद में यहाँ से हमें इस पीस को करना है सीधा, यानी कि इसको पलटना है। तो ये इस तरीके से देखिए, मैंने पूरा पीस पलट लिया है। पलटने के बाद में ये एकदम चारों साइडों से हमारा फिनिश है। तो अब जो ये खुला हुआ है इसे अंदर की साइड में इस तरीके से दबाते हुए पूरे पे हम दाब सिलाई लगा लेंगे, और इसमें बीच बीच में हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगाई, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर मैंने सिलाई लगा ली है, जिससे कि ये सिक्योर हो गया है, फैब्रिक हो गया है, और ये मतलब ज़्यादा मूव नहीं करेगा। तो अब इसके जो कॉर्नर हैं वहाँ हमें मार्क लगाना है। तो किस तरीके से लगाना है, यहाँ मैंने देखिए, यहाँ से 7 इंच पर इस तरीके से निशान लगाया,
और फिर इस साइड से भी हमें 7 इंच पर ही निशान लगाना है, यानी कि 7x7 इंच का हमें यहाँ बॉक्स बनाना है। ये इस तरीके से मैंने यहाँ बॉक्स बना लिया। अब इस बॉक्स को करना है हमें कट। अब ये मैंने देखिए पीस अलग कर दिया कट करके। अब जो ये पीस निकला है इसे ही हम दूसरे वाले कॉर्नर पर यहाँ रख लेंगे और दूसरा जो कॉर्नर है वो हम कट कर लेंगे। अगर यहाँ भी आप मार्किंग करके ही कटिंग करना चाहते हैं तो 7x7 इंच का हमें मार्क लगाना है, तो आप मार्क भी लगा सकते हैं। तो मैं ये पीस हैं जो इनको ही रख लूँगी और यहाँ कटिंग कर लूँगी। तो इस तरीके से ये मैंने कटिंग कर लिए हैं और मेरे ये चारों कॉर्नर कट चुके हैं। अब इन्हें कट करने के बाद में हम इसमें एक हैंडल लगाने वाले हैं, तो उसके लिए 11x2 इंच की मैंने ये प्लास्टिक बोरी का पीस कट किया है और 3.5x11 इंच का ये फैब्रिक लिया है और उसे दोनों साइडों से इस तरीके से फोल्ड किया और बीच में से फोल्ड किया और इस पर हम बीच में सिलाई लगा लेंगे। और इसे हैंडल को किस तरीके से हमें अटैच करना है ये देखिए, किसी भी साइड में जो ये 35 इंच वाली साइड है वहाँ हमें इस तरीके से दोनों साइडों में 2.5 इंच साइडों से लेना है और फिर 4 इंच हमें इस तरीके से नीचे से लेना है। ये देखिए निशान लगा लिया हमने और जो ये हैंडल हमने बनाया है उसे इस तरीके से फोल्ड करना है अंदर की साइड और यहाँ जो मार्क लगाया है वहाँ हमें सिलाई लगानी है और इस साइड से भी हमें इसी तरीके से फोल्ड करना है और इस साइड भी हमें इसे रखना है इस तरीके से और हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हैंडल हमारा अटैच हो चुका है। अब हैंडल अटैच करने के बाद में इसके जो कॉर्नर हैं उन्हें हमें इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ हमें लगानी है सिलाई। इसी तरीके से ये दूसरा जो कॉर्नर है उसे भी हमें इसी तरीके से पकड़ना है और यहाँ सिलाई लगानी है और ये तीसरा है इसे भी इसी तरीके से पकड़ना है और सिलाई लगानी है और चौथा है उसे भी इसी तरीके से पकड़ना है और यहाँ सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इन चारों कॉर्नर्स पर सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद इस पीस को करेंगे हम इस तरीके से सीधा। तो ये जो सिलाई लगाई थी वो अंदर पहुंच चुकी है। अब ये जो कॉर्नर हैं जहां हमने सिलाई लगाई है उन्हें इस तरीके से फिर से पकड़ना है और यहां हमें फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है जिससे कि जो इसके रफ एजेस हैं वो भी छिप जाएंगे और यहां जो हमारा ये बैक का शेप है वो भी अच्छे से आएगा। तो ये चारों साइडों में हमें यहाँ फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है जो कि मैंने ये देखिए लगा ली है। तो चारों साइड्स में मैंने सिलाई इसी तरीके से लगा ली है फिनिशिंग वाली। अब सिलाई लगाने के बाद में इसमें हम पार्टीशन लगाने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ मैंने ये देखिए दो इस तरीके से प्लास्टिक के बोरी के पीस लिए हैं जो कि 12x7 इंच के हैं। तो ये दो पीस लिए हैं मैंने और यहाँ जो हमने बैग के लिए बेडशीट का यूज़ किया है उसी में से मैंने इस तरीके से 17x12 इंच के दो पीस लिए हैं फैब्रिक के। और अब इस फैब्रिक को हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ जो ये पीस है उसे इस तरीके से रखना है और नीचे से फैब्रिक हमें लेते हुए यहाँ इसे पिनअप कर देना है। जो प्लास्टिक बोरी है उसके ऊपर फैब्रिक हमने ऊपर की साइड में रखा है और उसे पिनअप कर दिया है, ये देखिए इस तरीके से। अब जो ऊपर फैब्रिक है उसे यहाँ से इस तरीके से नीचे की साइड में लाना है और प्लास्टिक बोरी के बिल्कुल बराबर करते हुए और नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक का रहा है उसे अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए जो पिन्स हैं उन्हें इस तरीके से निकालना है और इनके ऊपर हमें ऊपर की साइड इस फैब्रिक को सिक्योर करना है। अब इनको इस तरीके से पिनअप करने के बाद में चारों साइड में हमें सिलाई लगानी है और एक आधा सिलाई बीच में लगा देंगे। इसी तरीके से ये वाला पीस है वो तैयार करना है। तो दोनों पीस मैंने इस तरीके से तैयार कर लिए हैं, चारों तरफ सिलाई लगाई और एक आधा सिलाई बीच में लगा ली। अब ये जो पीस हमने तैयार किया है इसका जो ये कॉर्नर है यहाँ से लंबाई वाली साइड में, तो वहाँ से हमें 6 इंच इस तरीके से लेना है और निशान लगाना है और निशान देखिए इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करनी है 6 इंच पर। अब जो दूसरा कॉर्नर है यहाँ से भी हमें 6 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है, ये देखिए
लाइन ड्रॉ करने के बाद में दूसरी तरफ भी हमें 6-6 इंच पर ही दोनों साइडों से लेना है और निशान लगाना है, जो कि मैंने लगा लिया है ऑलरेडी। और ये देखिए पीस जो हमने तैयार किए हैं, आपको जिस साइड भी इसका फेस रखना है उस साइड आप रख सकते हैं, तो मैं इस तरीके से रखूँगी। और यहाँ जो ऊपर हमने निशान लगाया है 6 इंच का, ऊपर से मिलाते हुए यहाँ हम इसे पिनअप कर लेंगे। जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर इस पीस को इस तरीके से रखना है और यहाँ इसे हमें पिनअप कर लेना है। अब पिनअप करने से ये होगा कि जो भी हम सिलाई लगाएंगे वो बहुत ही ईजिली हम लगा सकते हैं, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए पिनअप करने से यहाँ हमारा काम आसान हो जाएगा। अब ये दूसरा वाला पीस है उसे भी इस तरीके से ऊपर से हम मिलाते हुए रखेंगे लाइन पर और यहाँ इसे भी हम पिनअप कर लेंगे और यहाँ भी हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए इन पर मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद मैं ये दूसरी साइड में हम इस फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो इसका फेस हमने इस साइड में रखा है, तो इस वाली तरफ भी हम इस साइड ही इसका फेस रखेंगे और जो हमने मार्किंग की है 6 इंच पर, उधर हमें इस पीस को इस तरीके से ऊपर से मिलाते हुए उस लाइन पर रखना है और इसे भी पिनअप करना है। तो ये पीस देखिए हमारा यहाँ हमने अटैच कर दिया। अब जो दूसरा पीस है उसे भी जो 6 इंच का हमने निशान लगाया है वहाँ ऊपर से सेट करते हुए पिनअप कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ भी हम सिलाई लगाएंगे दोनों साइडों में। तो ये देखिए इसमें भी मैंने सिलाई लगा ली है और इस तरीके से ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है एकदम फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए इसमें मैंने ढेर सारे कपड़े भी रख लिए हैं और इसमें मैंने पार्टीशन क्यों लगाया है उसका भी मैं रीज़न बताती हूँ आपको। तो देखिए मेरे पास तो सारे बड़े ही फैब्रिक हैं, तो आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं तो इस तरीके से आप पार्टीशन में कपड़े 3 अलग अलग लगा सकते हैं। और ये मैंने इसलिए लगाए जिससे कि जो मेरे फैब्रिक हैं मैं बीच में से निकालूं तो वो एकदम पूरे पलटे नहीं इस वजह से, और अपने जो हमारी वार्डरोब है उसमें मैं इसे इस तरीके से रख सकती हूँ और साइडों के लिए भी हम इस तरीके के और बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो आज का फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ, जय श्री राधे कृष्णा।